डोकलाम सीमा विवाद को लेकर जब से चीन ने अपने कदम पीछे हटाए हैं, तभी से चीन इस बात को सिद्ध करने में लगा है कि डोकलाम पर हो रहे विवाद पर भारत ने अपने सैनिक हटाए हैं, जिसके बाद ये विवाद समाप्त हुआ है। जी हां, दरअसल चीन ने विदेश मंत्री यांग यी ने कहा कि डोकलाम में भारत और चीन के बीच दो महीने से चल रहा गतिरोध भारत के सैनिक हटाए जाने के बाद समाप्त हुआ। भारत को इससे सबक सीखना चाहिए, साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। बता दें कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने चीन विदेश मंत्री की टिप्पणियों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। वहीं चीन सरकार के पास मौजूद आधिकारिक सूचना के अनुसार भारतीय सैनिक 28 अगस्त को दोपहर बाद क्षेत्र से हट गए, जिससे गतिरोध खत्म किया गया है। जबकि असल बात तो ये है कि भारत और चीन ने सोमवार को डोकलाम के क्षेत्र से अपने सैनिक हटाकर गतिरोध समाप्त किया था। ये घटनाक्रम अगले हफ्ते ब्राजील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन यात्रा पर जाने से पहले हुआ है, जिसके बाद चीन द्वारा विवाद खत्म करने का एकमात्र वजह ब्रिक्स सम्मेलन को बताया गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।